अरमा सच में आंसुओं में बह गए। कहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोचा था कि बीजेपी की आपसी फूट का उन्हें फायदा मिलेगा और उन्नाव में उनका परचम लहराएगा, लेकिन नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर दिख रही खुशी 3 दिन भी नहीं टिक सकी और बीजेपी ने खेला कर दिया। जून को सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मालती रावत के बीजेपी के प्रदेश दफ्तर लखनऊ जाने पर समाजवादी पार्टी ने मालती रावत को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशिता रद्द कर दी है। इसके साथ ही मालती रावत को सपा महिला सभा अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। हालांकि अभी पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है। साथ ही अब समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही जिला पंचायत समर्थित सदस्यों को मतदान के लिए अपनी सोच के हिसाब से वोट देने के लिए कहा गया है। तो एक तरह से देखें अब उन्नाव में 3 दावेदार हैं, लेकिन तीनों दावेदारों में से जो भी जीतेगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का सीट बीजेपी के ही खाते में जाएगी। सपा समर्थित प्रत्याशी रही बिछिया तेती से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई मालती रावत को पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। मंगलवार को मालती रावत भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच गई थी। 4 घंटे तक उनकी कोई जानकारी नहीं होने से सपाई परेशान थे। 3 बजे के बाद जब किसी का भी पर्चा वापस न होने की जानकारी सपाइयों को मिली तब उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि मालती रावत ने खुद ही भाजपा कार्यालय जाने की बात स्वीकार की थी। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने मालती रावत को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशिता से मुक्त करते हुए महिला सभा जिलाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मालती रावत भाजपा के कुचक्र में उनका साथ दे रही हैं। उनके पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों से मतदान में सर्वेक से निर्णय लेने की अपील की गई है। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के 3 दावेदार हैं, अरुण सिंह, शकुन सिंह और मालती रावत। लेकिन हालात अब ऐसे बन गए हैं कि तीनों में से कोई भी जीते उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में ही जाएगी। संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव यू न्यूज़।